दो तीन तीन बेनिफिट्स भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को हमें ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है शाबाश। ये जो प्लांट आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इसके बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है, रीसेंट टाइम में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, कमर्शियल यूज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको बेचा जा रहा है बिजनेस पर्पज के लिहाज से भी। तो इस प्लांट का नाम क्या है? इस प्लांट का नाम है यारो। क्या नाम है? इसको कहा जाता है यारो साइंस में, और कश्मीरी में इसको पहलगास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहलगास। शाबाश, पहलगास। तो इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो आपको यकीनन समझ में आ जाना चाहिए कि अगर इसकी डिमांड है, इसे पैसे मिल रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई बड़ा फायदा भी होगा। तो कुछ फायदे मैं आपको बता देता हूँ। इसको यारो कहा जाता है और पहलगास कहा जाता है कश्मीरी में। बेनिफिट्स ये हैं कि ये इन्फेक्शन से फाइट करता है। किसे? अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो तो ये ग्रास हम यूज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन, अगर जलन हो रही हो तो इस घास का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथ एक, सबसे ज्यादा फायदा इसका टूथ एक अगर हो, अगर किसी को दांत में तकलीफ हो किसी तरह की, तो इस घास का इस्तेमाल करके इसको चबा के हम थोड़ी सी पेन जो है उसको रिलीव कर सकते हैं। और अप्लाई टू बर्नस, अगर कहीं पर जलन हो रही हो, कहीं पर कहीं माइनर बर्नस हो, जल गया हो कहीं पे, तो इस घास का इस्तेमाल करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, और ये बीपी को कंट्रोल करता है। किसको? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कौन? ये मैरो या यारो। ठीक है, यारो इसका नाम है, ये याद रख लेना। और पहलगास इसको कश्मीरी में याद रहा आपको। मैं दूसरी वैरायटी दिखाता हूँ। हाँ हाँ, कैमरा मैन थोड़ा सा नजदीक आइए और दिखाइए सबको। इसको कहते हैं कश्मीरी में हंत, लेकिन इसको डेंडिलियन कहा जाता है साइंस में। क्या कहा जाता है? डेंडिलियन। इसको डेंडिलियन कहा जाता है साइंस में। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसकी भी मार्केटिंग होती है, अच्छी मार्केटिंग होती है इसकी। मार्केट में अच्छी प्राइस में ये बिकता है, 800-900 रुपीज में ये केजी जाता है। 800-900 रुपीज में श्रीनगर में ये बिकता है। हंत इसको कहा जाता है कश्मीरी में। ठीक, इसको पुराने लोग, हमारे घर वाले जो थे, वो इसको सब्जी के तौर पे यूज करते थे, खाते थे। आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी वैरायटीज हैं वेजिटेबल्स की। आज हम इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पहले बहुत ज्यादा होता था। तो इसके मैं बेनिफिट्स बना देता हूँ। इम्यूनिटी आपकी ये इम्प्रूव करता है। क्या करता है? इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी जो है इसको ये इम्प्रूव करता है। नंबर सेकंड, गॉल ब्लैडर की ये फंक्शनिंग, लिवर की ये फंक्शनिंग और किडनी की फंक्शनिंग ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगर किसी को लिवर में प्रॉब्लम हो, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो या किडनी में प्रॉब्लम हो, वो इसका ज्यादा इस्तेमाल करे, वो उस चीज से मुक्ति पा लेगा। अच्छा, गुड फॉर हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ, ये भी शिकायतें आती रहती हैं कि हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए ये हंद जो है, ये डेंडलियन जो है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। क्लियर है ये बात? ये समझ में आया? ओके, चलिए तीसरी वैरायटी में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये तीसरी वैरायटी है, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में चीज वीड। क्या कहते हैं? चीज वीड। और कश्मीरी में इसको स्वत्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब मैं इसके आपको बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। तो ये सबसे पहले टिश्यू बिल्डिंग, रिपेयरिंग करता है। अगर किसी के टिश्यूज लॉस हो रहे हो, ठीक है, बॉडी में सेल्स लूज हो रही हो, तो उसके लिए ये स्वत्सल जो है, ये चीज वीड जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। नंबर सेकंड, ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन, अगर किसी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गई हो, ठीक है, वो इस वेजिटेबल का, इस हर्ब का ज़्यादा इस्तेमाल करे, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सूथिंग डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इरिटेशन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट, जहाँ से हम, जैसे हम पेशाब करते हैं, कभी कभी हमें जलन होती है, या डाइजेस्टिव, कभी कभी हमें मतलब एसिडिटी फील होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम को ये क्या करता है? सूथ करता है, राहत पहुँचाता है। कौन? कश्मीरी कहते हैं, और चीज वीड इसको कहते हैं साइंस में। क्लियर? ये हो गई तीन वैरायटीज आपकी। फोर्थ वैरायटी आपका टॉप ली, इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, कश्मीरी में होबुल, या कैसे सुनन, होबुल कहते हैं इसको कश्मीरी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, डॉक लीवस कहा जाता है इसको साइंस में। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले, सूथिंग दैट स्टिंग फ्रॉम नेटल्स, नेटल्स के स्टिंग्स, नेटल कहते हैं किसको? नेटल कहते हैं इस चीज को, सॉरी, या फिर इस वनन जो कशिर को, ठीक है, इसको नेटल कहा जाता है, कॉमन नेटल कहा जाता है, या सिटिंग नेटल भी इसको कहा जाता है। इससे जलन होती है, अगर स्किन पे ये टच हो जाए कहीं पे, तो जलन होती है। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड की वजह से हमारे अंदर जलन आती है। फिर तो इसको रिलीव करने के लिए इसी का ट्रीटमेंट है होबुल, इसी का ट्रीटमेंट है होबुल। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और ये विटामिन में भी बहुत ज्यादा रिच है, इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई की बहुत ज्यादा तादाद है, ये इसमें विटामिन। अच्छा, क्रूशियल फॉर इम्यून फंक्शन एंड विजन, इम्यून फंक्शन
और इम्यूनिटी बढ़ाता है, और विजन, अगर किसी को देखने की प्रॉब्लम या विजन में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हमारी विजन को भी बढ़ाता है, हमारी विजन को भी बढ़ाता है, और ये सोर्स ऑफ कैल्शियम भी है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम भी है, इसके अंदर कैल्शियम भी है। तो यूं ही हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल हवा में या फोकड़ में नहीं किया है। उनके अंदर भले ही नॉलेज ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस उनके अंदर बहुत ज्यादा थी कि किस हर्ब को कहाँ पे यूज करना है, किस हर्ब का मेडिसिनल यूज कहाँ क्या है, किस हर्ब का कमर्शियल यूज क्या है, और कौन सा हर्ब एडिबल। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चार वेराइटीज। आप पांचवी वेराइटी दिखाता हूँ आप, इसको कहा जाता है पॉलीगैनम। क्या कहा जाता है? पॉलीगैनम। हाँ, और कश्मीरी में इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं कश्मीरी में? ध्रुव। इसको कश्मीरी में कहते हैं ध्रुव, पॉलीगैनम कहा जाता है इंग्लिश में, साइंस में। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स देखो। ये भी हम खाते थे, हम वेजिटेबल के तौर पे इसको यूज करते थे घरों में। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? बैक एक मतलब अगर किसी को पीठ में कोई दर्द, कोई परेशानी हो तो उसको राहत पहुंचा सकते हैं ये वेजिटेबल। लिवर डिजीज, अगर किसी को लिवर में, ठीक है, इसी तरह की भी डिजीज हो तो उसके लिए ये मेडिसिन है। ग्रेइंग ऑफ हेयर अक्सर हम देखते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के ही बाल सफेद होने लग जाते हैं। ठीक है, उस चीज से मुक्ति दिलाने वाली चीज ये ध्रुव है, जिसको हम ध्रुव कहते हैं कश्मीरी में और पॉलीगैनम कहते हैं साइंस में। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसको खाते हैं हम, वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट में जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, कॉमन नेटल, जिसको हम कहते हैं कॉमन नेटल या फिर स्टिंग नेटल भी कहते हैं। कॉमन नेटल तो इसी तरह का एक और पौधा होता है, लेकिन उसके अंदर स्टिंग्स नहीं, उसके अंदर वो एसिड नहीं होता है। इसको स्टिंग नेटल कहना ठीक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर वो एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसे इंसानों में जलन होती है। ठीक है, लेकिन इसके भी बेनिफिट्स हैं। इसको भी एज अ वेजिटेबल यूज किया जाता था पहले, ठीक है, और आज भी कई कंट्रीज में इसको खाया जाता है। तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसको एज अ वेजिटेबल बहुत सारी कंट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक, तो ये हमारी कुछ वैरायटीज थी जो हम अपने जंगलों में देखते रहते हैं, अपने अपनी यहाँ की जमीनों में देखते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं या हमारे बुजुर्ग जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये हर्बस हैं, ये मेडिसिनस हैं, और यहाँ कश्मीर की मैं बात करूँ, यहाँ पे जितनी स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज छोटी से लेके बड़ी, ये हर एक जो है हर एक का मेडिसिनल यूज है, मेडिसिनल पर्पज। ओके, अच्छे समझ आया? यस सर।